हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी फार्मा। तो फ्रेंड्स, मैं फिरोज खान वेलकम करता हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल इजी फार्मा में। तो आज हम यहाँ पर टॉपिक कवर करने वाले हैं एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स, जो कि डिफार्मा फर्स्ट ईयर के फार्माकोग्नोसिस सब्जेक्ट्स का एक टॉपिक है। तो फ्रेंड्स, इससे पहले हमने सभी लेक्चर्स को बारी बारी से कवर कर लिया। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखी तो हमारे चैनल की प्ले लिस्ट में जाकर सभी वीडियो लेक्चर्स को वॉच कर सकते हैं। चलिए देख लेते हैं आज का हमारा टॉपिक एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स। फ्रेंड्स, इससे पहले जो हमारा चैप्टर चल रहा था, चैप्टर 6 हमने स्टार्ट किया था, जिसमें कि हमने ड्रग एक्टिंग ऑन नर्वस सिस्टम्स, तो इसमें हमने ये सभी ड्रग्स यहाँ पे कवर कर ली थी। देन आज हम यहाँ पे कैटेगरी स्टार्ट कर रहे हैं एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स। तो फ्रेंड्स, इसको हम ड्रग्स यहाँ पे आती है उसी भी हम इसको यहाँ पे सभी को एक्सप्लेन करके आज आपको बताने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, देख लेते हैं पहले एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स। तो यहाँ पर आपको नाम से ही पता चल रहा होगा फ्रेंड्स, हाइपरटेंसिव यानी ब्लड प्रेशर, एंटी यानी जो आपका ब्लड प्रेशर होता है उसके अगेंस्ट जो ड्रग्स वर्क करती है उन्हीं को हम कहते हैं एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स। तो फ्रेंड्स, हाइपरटेंशन क्या होता है, मान लीजिए आपको समटाइम्स बीपी जो है आपकी बॉडी में इंक्रीज हो गया, यानी जो उसकी नॉर्मल वैल्यू है उससे ज़्यादा वो इंक्रीज़ हो रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, समटाइम्स आपको चक्कर भी आने लगते हैं। देन समटाइम्स क्या होता है, आपका जो हार्ट बीट होती है वो तेज़ हो जाती है। तो बहुत ही टाइप्स की प्रॉब्लम्स जो आपको देखने को मिलती है। तो दीज आर ड्रग्स विच यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन, यानी बीपी के बढ़ने में। तो वो ड्रग्स जिनका यूज हम हाइपरटेंशन में करते हैं उसी को हम कहते हैं एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स। तो फ्रेंड्स, चलिए देख लेते हैं बीपी। तो फ्रेंड्स, बीपी अगर देखा जाए तो आजकल की जो जनरेशन से इसमें बीपी की प्रॉब्लम्स मोस्टली देखने को मिलती हैं, जिसमें कि जो ओल्ड पर्सन होते हैं उनमें ज़्यादा देखने को मिलती है, लेकिन आजकल जो यंग पर्सन है उनमें भी मोस्टली ये देखने को मिल रहा है। तो फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है बीपी ओल्ड एज के जो मतलब पीपल्स हैं उनमें ही बढ़ता है, किसी भी एज में आपका बॉडी में इंक्रीज या डिक्रीज हो सकता है। चल देख लेते हैं इसकी नॉर्मल रेंज, यानी क्या क्या नॉर्मल रेंज है, जो डब्ल्यू एच ओ है उसके अकॉर्डिंग क्या रेंज है बीपी की जो नॉर्मल आपकी बॉडी में होती है। तो फ्रेंड्स, ये 80 से 120 यानी 80 to 120 जो ये है आपकी बॉडी में जो है एक्यूरेट यानी नॉर्मल जो है इसकी वैल्यू है। जैसे कि बीपी जो होता है टू टाइप्स का होता है, पहला होता है सिस्टोलिक जिसमें कि 120 आपकी बॉडी में अगर होता है तो नॉर्मल है। देन डिस्टोलिक जो होता है यहाँ पे 80 होता है। तो फ्रेंड्स, जो आपका ब्लड प्रेशर है वो 80 to 120 नॉर्मल है। देन इससे ज़्यादा या कम होता है, डिक्रीज या इंक्रीज, तो क्या होता है वो आपकी बॉडी में एबनॉर्मल हो जाता है। देन अगर वो आपकी बॉडी में इंक्रीज हो रहा है तो उसमें हम कौन से ड्रग्स का यूज़ करें, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स का। देन फ्रेंड्स, अगर वो डिक्रीज हो रहा है तो उस सिचुएशन में हम उन ड्रग्स का यूज़ करते हैं जो उसको बढ़ाने का वर्क करती है। चलिए देख लेते हैं इसमें ड्रग्स हम कौन कौन से पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, इसमें ओनली वन ड्रग्स है जिसके हम यहाँ पे डिस्क्राइब यानी स्टडी करने वाले हैं, राउल्फिया। फ्रेंड्स, राउल्फिया जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रग्स है एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स के कैटेगरीज के अंदर, क्योंकि ये वन ऑफ द बेस्ट ऐसी ड्रग्स होती है जिसका आप यूज़ करते हैं एज ए एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स। तो फ्रेंड्स, इसको हिंदी में सर्पगंधा कहते हैं, लेकिन आप इसको हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में कैसे भी आप लिख सकते हैं। देन देख लेते हैं इसके सिनोनिम्स यानी कौन कौन से इसके अदर नेम्स हैं जिनसे आप जानते हैं। फ्रेंड्स, छोटा चांद, तो छोटा चांद आपको लग रहा होगा कि नाम सुना लग रहा होगा फ्रेंड्स, तो छोटा चांद जो होता है ये भी क्या है, इसका एक सिनोनिम्स है। तो ये जो एक इसका सिनोनिम्स है इसको आप इजीली याद रख सकते हैं क्योंकि नाम ही फ्रेंड्स इस टाइप का है इसका। देन देख लेते हैं सर्पेंटाइना रूट्स। तो फ्रेंड्स, जो सर्पेंटाइना रूट्स है इसको आप मोस्टली ध्यान रखें क्योंकि बायोलॉजिकल सोर्स में यही आपके वहाँ पर यूज़ होने वाली है। तो देख लेते हैं इसकी बायोलॉजिकल सोर्सेज। तो फ्रेंड्स, बायोलॉजिकल सोर्सेज में हम देखते हैं जो हमारी ड्रग्स ऑब्टेन हो रही है वो प्लांट्स के कौन से पार्ट से हो रही है। तो इट इज़ कंसिस्ट ऑफ द डिराइड रूट्स ऑफ राउल्फिया सर्पेंटाइना। तो फ्रेंड्स, एक चीज़ का आपको यहाँ पे बेनिफिट्स होता है, जैसे कि आपने इसके सिनोनिम्स यहाँ पे पढ़े राउल्फिया सर्पेंटाइना। तो फ्रेंड्स, जो सर्पेंटाइना रूट्स है यानी इसमें सर्पेंटाइना जो है इसकी बायोलॉजिकल सोर्स है, देन इसकी रूट जो है ये प्लांट्स का पार्ट है जिससे कंटेंस किया जा रहा है राउल्फिया को। तो आप अगर इसका सिनोनिम्स अच्छे से याद करते हैं तो वहाँ पर एग्जाम्स में आपको ईजिली वहाँ पर याद आ जाता है। तो क्या होता है, ये जो प्लांट्स होता है राउल्फिया का, आप देख सकते हैं इस प्लांट्स को, तो इसकी जो ड्राइड रूट्स होती है सर्पेंटाइना यानी राउल्फिया सर्पेंटाइना जी की जो ड्राइड रूट्स होती है उसी से आप ऑब्टेन करते हैं यहाँ पे राउल्फिया को। देन फ्रेंड्स, देख लेते हैं इसकी फैमिली क्या होती है। राउल्फिया की फैमिली एपोसाइनेसी होती है जिसको हमने यहाँ पर हिंदी में भी लिखा हुआ है। देन देख लेते हैं जोग्राफिकल सोर्स यानी कौन कौन से ऐसी कंट्रीज़ हैं जिनमें कल्टिवेशन कलेक्शन किया जाता है राउल्फिया का। तो फ्रेंड्स, बहुत ही सारी कंट्रीज़ हैं जैसे कि अमेरिका, अफ्रीका, एशिया, थाईलैंड, श्रीलंका एंड इंडिया। फ्रेंड्स, ये कंट्रीज़ है और इनके अलावा भी बहुत ही सारी कंट्रीज़ हैं जिनमें कल्टिवेशन किया जाता है। तो यहाँ पे ऐसे पॉसिबल नहीं हो पाता है कि हम सभी को यहाँ पे लिखे, काफ़ी लॉन्ग टॉपिक हो जाएगा। देन देख लेते हैं मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स यानी कोई भी सब्सटेंस है जो राउल्फिया है उसकी मॉर्फोलॉजी के बेस पर क्या है। तो फ्रेंड्स, का कलर जो होता है येलोविश यानी ग्रीनिश येलो टू ब्राउन कलर्स की होती है इसकी जो रूट्स होती है। देन इसका ऑर्डर जो होता है ऑर्डरलेस होता है। देन इसका टेस्ट जो होता है बिटर होता है।
इसका साइज़ देख लेते हैं, इसकी जो रूट्स होती है उसका साइज़ क्या होता है। तो फ्रेंड्स इसका साइज़ जो होता है 1 to 3 सेंटीमीटर इन डायमीटर एंड 10 to 18 सेंटीमीटर लेंथ होती है जो इसकी रूट्स होती है उसकी। देन फ्रेंड्स देख लेते हैं केमिकल कॉन्स्टेंट्स, यानी कौन कौन से केमिकल कॉन्स्टेंट्स हैं जो प्रेजेंट्स होते हैं राउल्फिया में। फ्रेंड्स राउल्फिया कंटेंस एल्कलॉइड्स, रिसिनपाइन एंड रिस्किंडिन एंड डिसर्पिडिन और फैटी एसिड्स एंड अनसेटुलेटेड एल्कोहल्स। तो फ्रेंड्स ये कुछ इसके केमिकल कॉन्स्टेंट्स हैं जो हमने यहाँ पे लिखे हुए हैं। देन आप अगर इनको हिंदी में बना के लिखना चाहें तो आप इसको ईजिली लिख सकते हैं। देन फ्रेंड्स देख लेते हैं थेरापूटिक यूजेस, यानी क्या क्या थेरापूटिक यूजेस हैं राउल्फिया के एज ए ह्यूमन बॉडी में। तो यूज्ड इन हाइपरटेंशन, तो फ्रेंड्स एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स में जो एंटी हाइपरटेंसिव हम कैटेगरीज पढ़े हैं उसमें ड्रग्स को रखा गया है, तो जाहिर सी बात है कि इसके यूज़ आप हाइपरटेंशन में ही करेंगे। तो एंटी हाइपरटेंशन यानी जो ब्लड है उसको ब्लड प्रेशर आपकी बॉडी में डिक्रीज करने में भी यूज़ करते हैं आप राउल्फिया का। यूज्ड एज ए सेडेटिव, फ्रेंड्स सेडेटिव वो होते हैं जो आपकी बॉडी में मान लीजिए समटाइम्स आपको नींद नहीं आ रही है तो क्या होती है उसकी एक मेन रीजन ये भी होता है कि आप किसी ना किसी वर्क को लेकर अपनी लाइफ में जो आने वाला है उसके लिए क्या होती है आप एक्साइटमेंट आपकी बॉडी में एक्स्ट्रा हो जाती है जिसकी वजह से क्या होता है आपको नींद नहीं आ पाती। तो उस एक्साइटमेंट को रिड्यूस करने के लिए भी आप यूज़ करते हैं एज ए सेडेटिव एजेंट्स के रूप में राउल्फिया का। देन एपिलेप्सी के ट्रीटमेंट में भी आप यूज़ करते हैं राउल्फिया का। तो एपिलेप्सी जो फ्रेंड्स हम आगे पूरी डिटेल्स में आपको यहाँ पर पढ़ाने वाले। देन फोर्थ यूज इसका देख लेते हैं डायसेंट्री के ट्रीटमेंट्स में। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो हमने यहाँ पे यूजेस लिखे हुए हैं इनको कुछ यूजेस ऐसे हैं जिनको हमने हिंदी प्लस इंग्लिश मिक्स में लिखा हुआ है एंड कुछ यूजेस ऐसे हैं जिनको हमने इंग्लिश में लिखा हुआ है। तो क्या है कि समटाइम्स जो यूपी बोर्ड वाले बच्चे हैं उनको प्रॉब्लम्स आ जाती है प्योर इंग्लिश में, तो फ्रेंड्स उनके लिए भी हमने यहाँ पे ईजी कर दिया है। आप चाहें तो इस हिंदी प्लस इंग्लिश एंड आप चाहें तो इंग्लिश में भी इसको यहाँ पे लिख सकते हैं। तो जो डायसेंट्री की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं जनरली आप भाषा में जानते हैं पेचिस, यानी पेट ख़राब आपका हो जाता है तो उसमें पेट को सही करने के लिए भी आप यूज़ करते हैं राउल्फिया का। देन इट रिड्यूस पेन ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशंस, तो फ्रेंड्स क्या होता है समटाइम्स ये फीमेल्स में प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है जो उनकी मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स होती है उसमें क्या होता है उसकी जब एक पर्टिकुलर टाइम्स उसका आता है तो उस टाइम बहुत ही बॉडी में ज़्यादा पेन उसको देखने को मिलता है। तो क्या होता है उसको रिड्यूस करने के लिए भी आप एज ए पेन किलर के रूप में यूज़ करते हैं राउल्फिया का। देन एक्साइटमेंट को दूर करने के लिए तो एज स्टेडियो एजेंट्स के रूप में फ्रेंड्स आप यूज़ करते हैं राउल्फिया का। तो फ्रेंड्स आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, इसमें सिर्फ हमने एक ही कैटेगरीज को यहाँ पे कवर किया है क्योंकि फ्रेंड्स क्या है कि ज़्यादा लॉन्ग लेक्चर्स हो जाता है और इसमें अगर आप एक ही लेक्चर्स में टू कैटेगरीज की स्टडी करेंगे तो आपको कन्फ्यूजन्स वहाँ पर हो सकती है। तो अच्छा है कि आप एक एक कैटेगरीज को बल्कि शॉर्ट शॉर्ट लेक्चर्स में सभी जो आप वीडियोज़ हैं उनको कवर किया करें। देन फ्रेंड्स यहाँ पर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, जो भी आप टॉपिक्स यहाँ पे स्टडी करते हैं तो ऐसा नहीं है हम आपको उसके नोट्स प्रोवाइड करा रहे हैं तो आप उसके सिर्फ नोट्स लें और आप उसको ना पढ़ें। फ्रेंड्स क्या होता है आप अगर उसके नोट्स ले लेते हैं तो आप क्या होता है एक लेजीनेस आ जाती है कि नोट्स हैं तो बाद में पढ़ लेंगे, लेकिन फ्रेंड्स ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अगर आप वीडियो लेक्चर्स देखते टाइम ही अगर आप नोट्स भी अपने आप से प्रिपेयर करेंगे तो इसमें क्या होता है इसमें टू बेनिफिट्स आपको होते हैं। एक तो आपका जो कॉन्सेप्ट है वो टोटली ही क्लियर हो जाता है। देन सेकेंड क्या होता है आपको सिर्फ स्टडी करते टाइम वो टॉपिक्स पूरा का पूरा ही याद हो जाता है। तो इसमें टू बेनिफिट्स बहुत ही अच्छे जो आपके लिए फ्रेंड्स होते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।